राइट्स डे के ऊपर। कल मैं खुद आसनसोल में था जब 10:30 बजे पौने 11 के करीब हमारे पास ये मैसेज आया कि दुर्गापुर के कांकसा ब्लॉक के हमारे रूपगंज जो बूथ है उसका प्रेसिडेंट संदीप घोष, उसको उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और 4 और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वो लोग साथ में कहीं पे बैठे हुए थे, मीटिंग्स कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और जब 10:30 बजे रात के अंधेरे में, काफ़ी रूरल एरिया है, इंटीरियर है, जब वहाँ से अपने घर जा रहे थे तो बेइंतहा बुलेट्स उनके पास शावर किया गया एंड दे वर शॉट, ऑल ऑफ देम वर ग्रेवली शॉट। संदीप घोष डायड ऑन द स्पॉट। जहाँ तक अभी आधा घंटा पहले की आपको बात बता रहा हूँ, अभी तक बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं हुई है, अभी तक बॉडी रिलीज भी नहीं किया गया है। और बड़े स्पष्ट रूप से हमारे जो बाकी जो 4 लोग जो घायल हुए हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कांकसा ब्लॉक के ही जो प्रेसिडेंट हैं, तृणमूल के नेता हैं, सैंड माफिया है, सब जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ट्वीट अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने नाम मेंशन किया है। आसनसोल कई दिनों से जो है वो लोहा, सैंड, बाली, सैंड, कोयले का एक बहुत बड़ा माफिया राज वहाँ पे चलता है। और सबसे भयंकर बात यह है कि माफिया जो वहाँ के हैं, माफिया और तृणमूल के नेता, इसमें कोई फर्क नहीं रहा है और पूरे बंगाल में यही छवि है। 29 लोगों की हत्या हुई है जब से पंचायत इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हुए हैं। आप लोगों को मालूम है, ये कोई बीजेपी की कोई डॉक्यूमेंट्री से आप लोगों को बात बताई नहीं जा रहे, सारे आपके मीडिया के दोस्त, हमारे जो मित्र जो हैं, उन्होंने कैमरा में इसे कैद किया है, किस तरीके का वायलेंस पंचायत के टाइम पे हुआ है, उसके भी पहले सिविक पोल्स के टाइम पे क्या वायलेंस हुआ था। और हजारों लोग होमलेस हुए हैं, आईपीसी के जो सेक्शंस है उसे मतलब उसका मिसयूज किया गया है, कैसे हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आज भी, कितने लड़के जो है वो जेल में है क्योंकि उनके ऊपर फर्जी केसेस लगाया गया है। कल की जो घटना है उसमें स्पष्ट रूप से तृणमूल की कांग्रेस के ये नेता का नाम आने के बावजूद, एज आई स्पीक टू यू, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ 3-4 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि बंगाल में वन किलिंग गेट्स ओवर शेडोड बाई अनदर, वन पोलिटिकल किलिंग गेट्स ओवर शेडोड बाई अनदर, सब इतने ग्रूसम होते हैं कि पिछले जो आपके सामने यहीं पे हमने इसके पहले जो पंचायत के टाइम में जो कई लोगों की हत्या हुई थी, उसमें 15 OBC और SC ST के लोग थे, ट्राइबल्स भी थे, उनको जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी, किसी को सुइसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था, रोज थ्रेट कर कर थ्रेट कर करके, तो इनका इसका अगर आप देखेंगे कि कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई, कोई SIT गठन, कोई गिरफ्तारी और किसी इस तरीके की किलिंग के कोई कोई नतीजे में पहुंचे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC जो है कंप्लीटली डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। और आप कोई भी स्टेट, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर जगह में जो है सेम पिक्चर है। सबसे बड़ी बात जो है ये, कई बार पॉलिटिकल किलिंग्स जब होते हैं तो देखिए पॉलिटिक्स बाद में आती है, बट एक चीफ मिनिस्टर का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, एक चीफ मिनिस्टर का ये दायित्व तो बनता है कि उनके राज्य के लोगों का जो है वो उनको सेफ रखे और पॉलिटिकल किलिंग्स कम हो, इसके लिए वो प्रयत्न करें। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी की रवैया देखेंगे, TMC का अगर आप देखेंगे, उन किस तरीके से हमारे रथ यात्रा को रोकने के लिए किस तरीके के आरोप लगाए और क्या क्या उन्होंने पैंतरे किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल विल जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। और 21 साल का ये लड़का संदीप घोष, जो कल जिनकी हत्या हुई है, इसके पहले बंगाल के जो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो कम्प्लीटली मतलब TMC के काडर्स बन चुके हैं, जो अपने स्पाइंस बीत चुके हैं, कई बार उनके नाम भी आप लोगों के सामने हम लाए हैं, हमें इसके पिछले जो जो पंचायत इलेक्शंस के आगे पीछे जो भी पॉलिटिकल किलिंग्स हुआ है उसके जो हमने नतीजा देखा है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई न्याय हो पाएगा। या जिसका नाम, जो 4 घायल लोग जो दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती है, उन्होंने जो बात की है, जिनके नाम लिए हैं,
अभी तक जो है उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है। फेडरल स्ट्रक्चर को हर तरीके से ममता बनर्जी जो है उसे नकार रही है और उसे भ्रष्ट, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर रही है। और हम अपनी तरफ से हर जगह में आंदोलन कर रहे हैं। जो यात्रा जो हमारी बन रही थी, ये इसका नाम भी सेव डेमोक्रेसी था, उसको भी एक कम्युनल कलर तृणमूल कांग्रेस ने देके उसमें भी जो है लोगों में डर पैदा करने की, या लोगों को मन में भ्रम पैदा करने के लिए जो उन्होंने जो हरकतें की है वो इसी डर से किया है, क्योंकि ऐसे जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रहे हैं इन्हीं के पास हमें पहुंचना था, इन्हीं के पास हमें पहुंचना है। और जैसे हमारे हमारे अमित शाह जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे आपको बताया है कि रथ यात्रा के जरिए इन लोगों के पास हम पहुंचेंगे, इनको ये बताने के लिए कि हाँ बीजेपी बंगाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए लड़ाई कर रही है और करते रहेंगे। लेकिन हम आपसे ये आग्रह करते हैं, आपसे ये हम प्ली करते हैं कि इस टाइप की जो पॉलिटिकल किलिंग्स जो एक के बाद एक हो रहे हैं, और जितने भी पॉलिटिकल किलिंग्स हुआ है उनका नाम कौन सी जगह पे हुआ है, कौन सी तारीख में हुआ है, क्या आधा जगह कई जगह पे FIR तक जो है वो दर्ज नहीं किए गए हैं, या नेता जो है किलिंग के बाद सीधा जाके उन्होंने कह दिया है कि नहीं ये आपस की लड़ाई में इनकी हत्या हुई है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के बयान भी हमने देखा है। उससे पुलिस ऑफिसर्स जो है वो भी प्रेशर टैक्टिक्स है, वो भी प्रेशर में आ जाते हैं कि अगर नेता या मंत्री ये बात बोल के वहाँ से चले गए तो क्या वो नेता मंत्री के खिलाफ जाके ये कह सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन में हमने फलाना तृणमूल नेता को इसके लिए दोषी हमने ठहराया है। तो ये बंगाल की हकीकत है, ये आप लोगों के सामने हम बार बार हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है कि एक इतने मजे हुए पॉलिटिशियन ममता बनर्जी जैसे जो इतने साल तक खुद CPM के एट्रोसिटी के साथ लड़े हैं, आज 34 साल में CPM जितना भयंकर नहीं हो पाए, जितने वायलेंट पॉलिटिक्स नहीं कर पाए शायद, उसको भी 6 साल में ममता दीदी ने जो है उनको इक्लिप्स कर गया इन एवरी मैनर पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि सब मिलके जो है इसको धिक्कार दें और इसको हम जो है बहुत ही कड़ी शब्द में इसका निंदा करें। हम इसके पहले भी इसको लेके राष्ट्रपति जी से लेके होम मिनिस्टर जी से लेके सबसे हम मिले हैं, हमने बात किया है, लेकिन स्टेट की तरफ से कई बार जो हमने देखा है किसी भी तरीके का सहयोग जो है हमें मिला नहीं है, स्पेशली बिकॉज ये पॉलिटिकल किलिंग्स है। और द एंटायर तृणमूल कांग्रेस यू नो दी लीडरशिप दे आर अवेयर दैट द तृणमूल कांग्रेस गूंस आर एसोसिएटेड विद इट। तो आप लोगों के सामने ये नई बात जो कल सामने मैं जब आसनसोल में था उस वक्त घटी थी आप लोगों के सामने लाए हैं। अभी आप ही इसमें जो है अगर आप इसमें नज़र रखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जो नाम मैंने ट्वीट में दिया है क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, जो वहाँ का बहुत ही मतलब इनफेमस सैंड माफिया है। तो ये आपसे मुझे बताना था। रविकांत नहीं, बिल्कुल हम हर तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और हमारे जो सीनियर नेता हैं कैलाश जी से भी बात हुई है, सीनियर नेता जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम सारे हदों को जो है ममता बनर्जी एट्रोसिटी के मामले में पार कर चुके हैं और बिल्कुल हम पार्लियामेंट में इसे लाएंगे और इसके लिए जो करना है पॉलिटिकली हो और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे हो हम उसे पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्ट्रिक्टली एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन शायद जब ये स्टेट सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली इसे बनाया जा रहा तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रोग गवर्नमेंट्स बनेंगे, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो खुली छूट दे देगी कि बस आप सत्ता में रहने के लिए आप जो चाहे करो। आपने देखा भी है आप लोगों ने इसे कैद किया है कैमरा में कि मंत्री तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत ही अहम मंत्री स्टेज पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अगर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक भी किसी ऑपोजिशन को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, अगर सक्षम हुए कि कोई भी ऑपोजिशन का कोई नॉमिनेशन ही भर ना पाए तो आपको हम अलग से 5 करोड़ रुपया देंगे। ये आपने देखा है
हमारे वहाँ के तृणमूल के बहुत बड़े शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मंच पे खड़े होकर ये बात की है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ बंगाल एंड वी हैव टू फाइट इट विद ऑल आवर माइट इन एवरी वे पॉसिबल, और हम वही करेंगे. देखिए, राष्ट्रपति जी से भी हम मिलेंगे, पहले भी हम मिल चुके हैं. जो सारी बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो उनके सामने हम रखते हैं, पहले भी रख चुके हैं. हमारे जो सीनियर अधिकारी, जो सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं, वो इसके बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं. और आपको ये जो कल घटना जो घटी है, इसके बारे में आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था. हम कल से पार्लियामेंट भी शुरू हो रही है, हम डेफिनेटली इसको लेके होम मिनिस्टर से लेके और जो भी हम कर सकते हैं हम इसको करेंगे. Well, you know, they stoop to a level where you even you don't find words to actually counter that. I mean, what kind of petty politics have they resorted to? In a country of multi-party democracy, every party has the right to do their own kinds of campaigning. And it is beyond Trinamool Congress, as the division bench of High Court has observed, that in spite of the state being asked for a permission way back in October, they have sat on it, on the files, in spite of giving them several reminders. They not only did not give permission, did not even respond to it. And that's what the High Court came down heavily on Mamata Banerjee government. And as you know, on the 12th, they have asked the government officials and the leaders to sit with BJP and find out a solution to this and then go back to the court on the 14th. So we are definitely very happy with the strong hand that, the strong manner in which the courts have dealt with this insensitive approach undemocratic approach of the Mamata Banerjee government. But what is to be seen is the fact that, what is it? It is definitely fear psychosis. It is definitely the fact that Mamata Banerjee doesn't want the people to reach the polling booth and actually vote. Because if they wanted to do so, if they were so confident, as she says, Ma Mati Manush and Poriborton and Unnoyan and all of that, then why would they stop the people from voting? If you have done good work, let the people vote. They are going to make you the winners. But it's an absolutely violent mentality which they are carrying on. And as our party president had said, we will take it to the highest level and ensure that this yatra, which they are trying to confuse people by giving it different names, and in this kind of unholy and petty acts of cleaning those roads where we walked through and all of that, it only shows the level at which Trinamool Congress wants to do their politics. And in many ways, when they show us black flags, I genuinely feel that probably black flag should be the true color of the Trinamool Congress flag, the kind of politics that they're doing in Bengal. That's the real color that the Trinamool Congress flag should have. Well, your question itself has the answer to it. You know, we have been, as I said, it is not accusation. There is one thing is to accuse or allege politically. The other thing is to put out the real facts. What you're saying is factual. So the fact that a political party, a national party like BJP, who's in power in the center, how can they say that our Ratha Yatra is going to cause communal riots? No, it is not going to do so. Give me one example where we have done a political rally and some kind of communal violence broke. Give me one example. There hasn't been any. And if anything like that sort happens, it is the state's responsibility to, I was the MP, I am the MP of Asansol, but when the riots broke, they unfairly stopped me and,
know, did not allow me to reach certain places. But at the end of the day, since law and order is a state subject, I had to stop where I was stopped. So that's what it is. So if the Ratha Yatra caused any kind of turbulence, as they are wrongly, unfairly alleging, then the state could have gone ahead and done something. What the High Court rightly observed is that they have sat on it just to ensure that the Ratha Yatra do not happen. And as you spoke about the very infamous hate preacher, I would say, being allowed to move all over West Bengal, this is exactly what it is. We know Mamata Banerjee playing the dirtiest form of appeasement politics. And now, funnily, you know, she has just now announced some Surya Mandis, some 2022 Surya Mandis being, that is to be built all over West Bengal. It's absolutely, it's a joke what is happening. And let me tell you one more thing. In my own district president Lakhan Garai, our BJP president, he was attacked with a sword and he had 18 stitches. His hand was cut just during the panchayat elections, and the entire mob was being orchestrated by the mayor of Asansol. It is all there. I think you have all seen the video. He was the one who was instigating the mob. He was orchestrating the entire violence that was happening there. In front of him, in the presence of police, the president got a huge wound on his hand, for which he had to get 18 stitches. No one is arrested till now. The police even refused to take an FIR for that. So this is the sad state of affairs in Bengal. And your question, it answers the facts that we are trying to put out. नहीं उनको कर वो नहीं हम वो आप मैं तो आपको पहले ही शुरू में बताया कि अपने स्टेट को संभाल नहीं पा रही है और अपने इट्स अ जोक दैट वो अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशंस को पॉलिश करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं. करने दीजिए, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें भी जो फैक्ट्स है वो भी हमारे सामने आए हैं. आप लोगों को मालूम है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. बट पूरा चीज जो है वो कॉमेडी शो हो रहा है, देखिए शाम के टेलीविजन व्यूइंग के लिए काफी अच्छा होता है ये सारी चीजें. अलग अलग नेता बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, देखते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक व्हाटएवर, थैंक यू. बस अच्छा.